हेलो एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल हियर वी आर विद न्यू चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी और लास्ट फाइव इयर्स में ह्यूमन फिजियोलॉजी से ट्वेल्व टू फिफ्टीन क्वेश्चंस कंपलसरी आए ही है सो दिस चैप्टर कंटेन्स अ वेरी हाई वेटेज बहुत बेसिक और इजी चैप्टर है ये जो कि हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं नाइन टेन से और पूरी कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर को कम से कम टाइम में हम कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जहां जहाँ पर है वहां पर इंक्लूड करेंगे तो शुरू करते हैं हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है और सेल्स को हम न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और असेंशियल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते आए हैं और बदले में ये सेल्स ये सारे सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके उसके एंड प्रोडक्ट में वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्सक्रीट आउट करते आए हैं ठीक है एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग समय के साथ साथ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं और उनका एक अपना डिफरेंट मैथड है फॉर दिस ट्रांसपोर्ट जैसे कि स्पॉजेस एंड सिलेंटेरेट्स ये सर्कुलेट करते हैं वाटर को थ्रू देयर बॉडी कैविटी तो बॉडी कैविटी के थ्रू यहाँ पे वाटर सर्कुलेट होता है और वाटर के थ्रू स्पॉन्जेस और सिलेंटरेट्स को न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन और असेंशियल सब्सटेंसेस मिलते हैं वैसे ही अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म या फिर मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे सो दे इंक्लूडिंग द ह्यूमंस सो दे यूज अ स्पेशल फ्लूड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट ट इज ब्लड एंड अनादर फ्लूड दैट इज लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टन सब्सटेंसेज जिसको टिश्यू फ्लूड भी बोला जाता है लेट्स डिस्कस ब्लड इन डिटेल सो ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ब्लड क्या कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंसिस्ट है ऑफ फ्लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट ये इन तीनों से मिलकर ब्लड जो है वो पूरी तरीके से बना है प्लाज्मा इज फिफ्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड एंड फॉर्मड एलिमेंट्स आर फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ ब्लड अब प्लाज्मा क्या है इसको समझते हैं सो इट इज़ नाइन्टी टू नाइन्टी टू परसेंट ऑफ वाटर सिक्स टू एट परसेंट ऑफ प्रोटीन ये कंटेन कर रहा है विच इज़ ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू थ्री यानी तीन टाइप के प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर दैट इज फाइब्रेनोजन ग्लोबुलन्स एंड एल्ब्यूमिन फाइब्रेनोजिन क्या काम करता है तो ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कंटेन करता है कोगुलेशन के लिए काम आता है जब कट लग जाता है बॉडी में तो क्लॉटिंग फैक्टर वहाँ पर हेल्प करता है ताकि खून हमारा रुके ज़्यादा बहे नहीं और ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है इन इनएक्टिव फॉर्म प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन uh, प्रेजेंट होता है विच इज अ क्लोटिंग फैक्टर इन अ इनएक्टिव फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है फिर आता है नेक्स्ट ग्लोबुलेंस ग्लोबुलंस जो है यहाँ पे इन्वॉल्व होते इन द डिफेंस मैकेनिज्म जब हमारे बॉडी में कोई फॉरन बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उनके अगेंस्ट उनको भगाने के लिए उनको मिटाने के लिए यहाँ पर ग्लोबिल्स हेल्प करते हैं और तीसरा है एल्बूमस एल्ब्यूमेंट जो है हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब क्या होता है कि जो आ, ये कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है हमारे बॉडी के अंदर इसको मेनटेन करके चलते हैं हमारे सेल्स टिश्यूज़ और इंटस्टिशियल फ्लूड के अंदर और ये बेसिकली क्या होता है किडनी के अंदर तो ये तीन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर और क्या प्रेजेंट है सो हेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट है प्लाज्मा में जैसे कि सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स प्लाज्मा में प्रेजेंट है और लास्ट है कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सिरम ये क्वेश्चन नीट में कई बार पूछा गया है तो याद रखना कि सीरम किसको बोलते हैं सो सिरम इज द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर जब प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो उसको हम सिरम बोलेंगे ठीक है सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूड ये कैसा होता है स्ट्रॉ कलर का थोड़ा येलोइश स्ट्रॉ कलर का फ्लूड होता है जो कि विस्कस इन नेचर होता है जो कि 55 परसेंट ऑफ ब्लड ये कंस्टिट्यूट करता है 55 परसेंट ऑफ ब्लड जो है वो कौन कवर कर रहा है प्लाज्मा कवर कर रहा है नाउ नेक्स्ट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो 45 परसेंट ऑफ ब्लड कवर कर रहे हैं जो कि तीन मेन यहां पर कंपोनेंट्स है इसके दैट इज एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स स्टार्टिंग विद द एरिथ्रोसाइट तो ये एरिथ्रोसाइट क्या है आरबीसी है रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी को ही एरथ्रोसाइड्स बोला जाता है जो कि मोस्ट अबंडेंट है बहुत सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे बॉडी में आर प्रेजेंट होती है विच इज़ अबाउट फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियंस ऑफ आर पर क्यूब ठीक है एंड ये कहाँ फॉर्म होती है अडल्ट के अंदर ये फॉर्म होती है इन द रेड बोन मैरो रेड बोन मैरो के अंदर ये फॉर्म होती है आरबीसी के अंदर ये तो बचपन से पढ़ते आया है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है इन ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स एक्सेप्ट फॉर द वन एनिमल दैट इज कैमल कैमल के अंदर जो आर प्रेजेंट होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है वो एक एक्सेप्शन है सिर्फ एक ही किसमें कैमल के अंदर बाकी सभी में दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस उनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता है विच इज द ऑनली सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वो क्या है आर रेड ब्लड सेल्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दे आर बायकॉनकेव कॉन्केविन शेप एंड हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग ह्यूमोग्लोबिन तो ह्यूमोग्लोबिन कैसा होता है रेड कलर का होता है क्या कंटेन करता है आयरन कंटेन करता है अब ये आयरन क्या हेल्प करता है हमारी हम आगे समझेंगे एक हेल्थी इंडिविजुअल के अंदर ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम्स ऑफ ह्यूमोग्लोबिन इन एवरी हंड्रेड एम ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है तो कोई पूछेगा ना तुम्हारा हीमोग्लोबिन कितना है बी से ट्वेल्व समटाइम्स इन गर्ल्स कॉमनली ट्वेल्व फोर्टीन एवरेज ये रेंज रहती है और बॉयज में थोड़ा ज़्यादा होता है तो एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड होना चाहिए आर बी सीज हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज तो यहाँ पर आर बी सी क्या कर रहा है बेसिकली रेस्पिरेटरी गैसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन कैरी करके जा रहा है लंग्स को दे रहा है वहाँ से सी ओ टू कैरी करके आ रहा है बाहर निकाल रहा है ठीक है तो ये कैसे हो रहा है जो हमारे ह्यूमोग्लोबिन के अंदर आयरन है ये डायग्राम से समझते हैं हमारी आर बी सी की सेल है और उसके अंदर ह्यूमोग्लोबिन प्रेजेंट है और ह्यूमोग्लोबिन के अंदर ये आयरन प्रेजेंट है आयरन जो है बेसिकली क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करता है कलेक्ट करता है एंड देन ये कैरी ऑक्सीजन करके जाते हैं लंग्स के पास वहाँ पे लंग्स को देते हैं और वहाँ से ओ टू कंटेन करके फिर ये बाहर हमारे बॉडी के निकालते तो इस तरीके से हमारे बॉडी में आयरन जो है काम करता है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आर बी सी इज वन ट्वेंटी डेज एक सौ बीस दिन आर बी सीज जो है हमारे बॉडी में जिंदा होते हैं और उसके बाद नए आर बी सीज फॉर्म होते हैं और ये कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं कहाँ इनकी मौत होती है हमारे बॉडी में स्प्लिन के अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत बार नीट में पूछा गया है कि डिस्ट्रॉयड इन स्प्लिन जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आर बी सी भी बोला जा जाता है जहाँ पे दफनाया जाता है ना वहाँ पे उसको ग्रेवयार्ड बोलते हैं तो इसीलिए स्प्लिन को ग्रेवयार्ड ऑफ आर बी सी भी बोला जाता है याद रखना सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एरिथ्रोसाइट दैट इज आर बी सी नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू द्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यू बी सी बोलते हैं दैट इज वाइट ब्लड सेल्स तो ये कैसे होते हैं ये कलरलेस होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता है दे आर लैक ऑफ ह्यूमोग्लोबिन दैट इज कोई रेड कलर्ड ह्यूमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लिएटेड होते ही उनके अंदर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और वो इन काउंट कितने टोटल काउंट कितना है उनका हमारे बॉडी के अंदर दैट इज सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड पर क्यूबिक मिलीमीटर ठीक है तो इतना अमाउंट है डब्ल्यू बी सी का हमारे बॉडी में शॉर्ट और ये कैसे होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं बहुत कम इनकी उम्र होती है दे आर ऑफ टू टाइप ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट नाउ कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्सिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स सबसे ज्यादा ग्रेन्युल्स के अंदर न्यूट्रोफिल है फिर उसके बाद ईओसिनोफिल्स है और उसके बाद बेसोफाइल्स है ठीक है न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा है मोस्ट अबंडेंट है इवन इन अगर हम डब्ल्यू भी कंसिडर करें तो सिक्सटी टू सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यू न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर फैगोसाइटिक क्या होते हैं अगर बैक्टीरिया है तो उनको खाने का एनगुल्फ करने का जो प्रोसेस होता है उसको फैगोसाइटिक बोलते हैं तो न्यूट्रोफिल आर फैगोसाइटिक देन सेकेंड आता है यूसिनोफाइल्स यूसिनोफाइल्स जो है वो टू टू थ्री परसेंट रजिस्ट इन्फेक्शन तो ये टू टू थ्री परसेंट प्रेजेंट है ऑफ टोटल डब्ल्यू बी सी और ये रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन को इन्फेक्शन होने से बचाते हैं विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जिक रिएक्शन अगर किसी को एलर्जी होती है तो ये इोसिनोफिल्स वहां पर आकर रिएक्शन शो करते हैं बेसोफिल्स के द लिस्ट ये सबसे कम प्रेजेंट होते हैं विच इज अबाउट जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट में ही है ये और सिक्रीट क्या करता है ये हिस्टामिन सिक्रीट करता है सेरोटोनिन सिक्रीट करता है हिपैरिन सिक्रीट करता है विच इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जब भी कहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है है ना इन्फ्लामेशन uh, बेसिकली क्या है इसके चार टाइप्स होते हैं इन्फ्लामेशन के रूबर कैलर डोलर एन ट्यूमर जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो अभी बस इतना समझो कि जब भी कहीं पे भी इन्फ्लामेशन अगर होगा तो वहाँ पर ये सिक्रीट होगा हिस्टामिन सेरोटोनिन एंड हिपेरिन जो कि कौन सिक्रीट कर रहा है बैसोफिल सिक्रीट कर रहा है तो ये तो हो गई कहानी किसकी ग्रैनुलोसाइट की अब हम बात करते हैं ए ग्रैनुलोसाइट के बारे में तो ए ग्रैनुलोसाइट कंटेन ये भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है दैट इज ये क्या कंटेन कर रहा है लिम्फोसाइड कंटेन कर रहा है मोनोसाइट कंटेन कर रहा है एंड प्लेटलेट दैट इज थ्रम्बोसाइड्स कंटेन कर रहा है लिम्फोसाइट्स कंटेन्स ट्वेंटी टू 25 परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी जो कि दो टाइप के हैं बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो कि इम्यून रिस्पॉस ऑफ द बॉडी हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा ये इनका ही हाथ होता है देन नेक्स्ट है मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स जो है वो सिक्स टू एट परसेंट ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी को कवर करते हैं ये भी फेगोसाइटिक इन नेचर होता है जैसा कि न्यूट्रोफिल है और थर्ड आ जाएगा प्लेटलेट्स दैट इज थ्रम्बोसाइट्स जिनको क्या बोला जाता है थ्रम्बोसाइट्स भी बोला जाता है सेल्स प्रोड्यूस फ्राम द मेगा कैरियोसाइट्स दैट इज अ स्पेशल सेल इन द बोन मेरो तो ये ऐसे सेल्स है जो कि मेगा कैरियोसाइट्स से प्रोड्यूस होते हैं विच इज अ स्पेशल सेल बोन मेरो के अंदर ठीक है याद रखना यह बहुत बार नीट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेटलेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं सेल प्रोड्यूसड फ्रॉम वेयर तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स दे आर टोटल इन नंबर कितना काउंट है इनका डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख प्लेटलेट्स पर एम एम क्यूब यहाँ पर ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट है कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में भी ये हेल्प करते हैं एंड रिडक्शन कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी अगर किसी पर्सन में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और उसको कट लग जाता है तो वहां पर क्लॉटिंग नहीं होगी ब्लड की खून नहीं रुकेगा जिसके कारण बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा बॉडी से ठीक है

ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीजन के बेसिस पे जो हमारे आर बी सी के ऊपर प्रेजेंट होता है और दूसरा होता है यहाँ पे एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजन के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं मतलब लिखा गया है कि प्लाज्मा कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज़ दैट इज़ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन तो ये नेचुरल एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में प्रेजेंट है दैट इज़ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी हमारे बॉडी में ये नेचुरली एंटीबॉडी प्रेजेंट है जो कि किसके ऊपर डिपेंडेंट एंटीजन के ऊपर उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंडेंट है मुझे लगता है तक कहानी तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि ए अगर आपका खून है तो आपको ए ही खून चढ़ाना पड़ेगा बी ब्लड ग्रुप है तो बी ही खून चढ़ाना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ए वाले को बी का खून चढ़ा दिया बी वाले को ए का खून चढ़ा दिया ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ है बिकॉज जैसे कि हमने बात की कि जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर अगर ए ब्लड ग्रुप वाला है तो उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर ए ही एंटीजन प्रेजेंट है और अगर गलती से भी बी ब्लड वहाँ पर ट्रांसफ्यूज हो गया तो वो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल रहेगा अब ए एंटीजन जो है एंटीबॉडीज़ बनाना चालू कर देगी उसके अगेंस्ट और यहाँ पर क्या हो जाएगा अब बॉडी के अंदर पहले ही खून कम है तभी तो खून चढ़ा रहे हैं ना तो बॉडी में पहले ही खून कम है और अगर हमने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया तो वो सेल्स आपस में लड़ झगड़ के और कम हो जाएगी एंड पर्सन विल डाई ठीक है दिस इज द रीज़न दैट्स वाई कि हमेशा ब्लड ग्रुप चेक करके और ब्लस ब्लड, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले दोनों में चेकअप होता है सही से कि सही ब्लड जा रहा है या नहीं अदरवाइज द पर्सन विल डाई सो लेट्स स्टडी दिस टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि बहुत बार नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है ठीक तो है तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा रहेगा ए रहेगा और एंटीबॉडी क्या बनेगी एंड बी बनेगी एंटी बी रहेगी यहाँ पर बी के लिए अगेंस्ट अगर बी क्या है यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल रहेगा ए के लिए तो वो उसके अगेंस्ट जो है अपनी आर्मी खड़ी कर देगी अब ये एक्चुअली वेन आई वॉज अ स्टूडेंट तो मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा कि भाई ए है तो ए के लिए क्या एंटीजन ए है क्या बी है तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम कि ब्लड ग्रुप ठीक है बी जी ऐसे याद रखो तो ब्लड ग्रुप जी है इसमें तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन जी से जी से याद रखना ठीक है ठीके? तो एंटीजन हमारा है एंटीजन हमारा है ब्लड ग्रुप हमारा है तो एंटीजन भी हमारा है तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी ए ही रहेगा तो अगेंस्ट क्या आ जाएगा एंटीबॉडी जो बचा कुचा है फिर वो एंटीबॉडी के अंदर चला जाएगा तो अगेंस्ट क्या आ जाएगा यहां पर बी आ जाएगा तो यहां पे डोनर कौन है कौन से ब्लड यहां पर एक्सेप्ट कर सकता है ए तो ए यहां पर ए ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है और ओ ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है ओ क्यू क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है इसके आर के ऊपर ब्लड ग्रुप ओ जो पर्सन रहते हैं उनके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है यूनिवर्सल डोनर है तो ए ब्लड ग्रुप वाला ए का भी एक्सेप्ट करेगा और ओ का भी एक्सेप्ट करेगा ये आई होप यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई होगी एंटीजन एंटीबॉडी की अगर बी ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर बी ब्लड ग्रुप हमारा है तो एंटीजन भी हमारा रहेगा तो बी एंटीजन हमारा है अब अगेंस्ट किसके बनाएगा ये एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट बनाएगा और डोनर ग्रुप रहेगा यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी एंड ओ ए बी ब्लड ग्रुप अगर है तो एंटीजन जो है दोनों के लिए रहेगी एंटीजन ए भी रहेगी एंटीजन बी भी रहेगी तो अगेंस्ट किसके काम करेगा किसी के भी नहीं क्यों क्योंकि हमारे बॉडी में दो ये नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है हमारे बॉडी के अंदर ए एंड बी अब ये दोनों ही अगर ब्लड ग्रुप है हमारा तो इसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी और ये सारे ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है ए बी भी कर सकता है ए भी कर सकता है बी भी कर सकता है एंड ओ भी कर सकता है और अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर एंटीजन हमने जैसे कि बताया कि ओ के लिए कोई एंटीजन नहीं होता है ओ किसी के लिए एंटीजन नहीं बताता है ओ की जो फीलिंग्स है वो किसी के लिए गलत नहीं है वो सबके लिए प्यारा है तो ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है तो इसीलिए उसके ऊपर कोई एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है और एंटीबॉडीज लेकिन उसके लिए हार्मफुल हो सकता है अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है और उसके बॉडी में अगर हमने ए या बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया तो वो उसके लिए फिर हार्मफुल रहेगा हानिकारक रहेगा एंड द पर्सन विल डाई बिकॉज़ उसने एंटीबॉडीज बना रखी है ए बी के लिए एंड डोनर ग्रुप विल बी ओ क्योंकि वो सिर्फ ओ का ही एक्सेप्ट करेगा ए बी के लिए तो एंटीबॉडीज़ बना रखे तो वो तो एक्सेप्ट हो गए नहीं तो डोनर ग्रुप विल बी ओनली ओ नाउ नेक्स्ट इज आर एच ग्रुपिंग सो so बेसिकली ये रेसिस मंकी से आया है और इसलिए इसका नाम भी आर एच ग्रुपिंग पड़ा है बेसिकली इट्स अ एंटीजन जो कि ऑलमोस्ट एटी परसेंट ऑफ ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है और जिनके अंदर होता है आर एच वो आर एच पॉजिटिव हो गए और जिनके अंदर ये आर एच एंटीजन एबसेंट रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज आर एच नगेटिव तो जिनमें प्रेजेंट है एंटी आर एच एंटीजन वो मतलब पॉजिटिव है और जिनके अंदर आर एच एंटीजन नहीं मिला वो आर एच नगेटिव होगे और जब अगर आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव एंटीजन अगर ये मिल जाते हैं तो दे विल फॉर्म अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट में एंड विल बी वेरी हार्मफुल ठीक है एंड दैट्स वाई आर एच ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन तो ट्रांसफ्यूजन से पहले आर एच ग्रुप मैच होना चाहिए अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल गिवन इन एनसीआरटी अबाउट अ मदर एंड अ फीटस वेयर द मदर इज Rh एच नेगेटिव एंड द फीटस इज Rh एस पॉजिटिव ठीक है एंड ड्यूरिंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ पर ये दोनों भी ब्लड जो है वो वेल well सेपरेटेड है बाय द हेल्प ऑफ प्लेजेंटा तो प्लेजेंटा की मदद से ये दोनों ब्लड ग्रुप जो है वेल well सेपरेटेड है लेकिन ड्यूरिंग हर फर्स्ट डिलीवरी यहाँ पर मदर कैन गेट एक्सपोज है ना मदर जो है फीटस के ब्लड से एक्सपोज हो सकती है और इसकी वजह से मदर विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आर एच पॉजिटिव एंटीजन

एंटीबॉडीज बना रखी है फॉर द आर एच पॉजिटिव एंटीजन तो पहला बच्चा तो सुरक्षित है फर्स्ट चाइल्ड इज सेफ लेकिन जो सेकेंड चाइल्ड आएगा इन दैट केस मदर कैन डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी जिसकी वजह से क्या हो सकता है फेटल हो सकता है चाइल्ड में गेट डाय उसको सीवियर एनीमिया हो सकता है या फिर जॉन्डिस हो सकता है दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है नीट में ठीक है तो याद रखना कि आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव क्या है आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्टरिंग एंटी आर एच एंटीबॉडीज टू मदर आफ्टर डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इस कंडीशन से बचा जा सकता है अगर हम इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड मदर को एंटी आर एच एंटीबॉडीज अगर एडमिनिस्टर कर दे तो यहाँ पर मदर की बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज आ जाएंगे अगेंस्ट द आर एच तो यहाँ पर बेबी बच सकता है दस फर्दर जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी से वो भी सक्सेसफुल हो सकती है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड तो आपने देखा होगा अगर आपकी फिंगर पर कट आया है या आपको हर्ट हुआ है तो वो ब्लीडिंग लंबे समय तक नहीं होती है एक टाइम के बाद ब्लीडिंग रुक जाती है तो ऐसा क्यों होता है आपके दिमाग में कभी आया है क्योंकि ब्लड के पास एक पावर है यस कंसीडर दिस एज अ पावर कि ब्लड के पास एक पावर है जो हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप कर देती है और वो पावर क्या है क्वेगुलेशन और द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जब कोई ट्रॉमा या फिर इंजरी होती है उस टाइम पर ये पावर काम आती है एंड दिस मैकेनिज्म हेल्प्स इन प्रिवेंशन फ्रॉम द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम अवर बॉडी आपने ये भी देखा होगा कि एक समय के बाद वहां पर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनना चालू हो जाती है तो वो क्या है बेसिकली इट्स अ क्लॉट और अ कोईगुलम जो कि कैसे फॉर्म हुआ है नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स से मिलकर फॉर्म हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड एस फाइब्रिन जब बहुत सारे धागे एक साथ रखेंगे ना तो उसको नेटवर्क ऑफ थ्रेड बोलेगे और हमारे बॉडी में जब ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं फाइब्रिन और उसके अंदर डेड एंड डैमेज फॉर्मड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड तो उस फाइब्रिन के अंदर डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट है

To thrombin, बस इतना ही है प्लाज्मा इन एन इनैक्टिव स्टेट तो ये कैसकेट प्रोसेस में क्या हो रहा है की जो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट है ना सब्सटेंसेस उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है ताकि ये पूरी रिएक्शन हो और फाइब्रीन बने और फिर फाइब्रीन जो है ब्लड प्लॉटिंग में मदद करेगा खून को बहने से रोकेगा अनदर मैकेनिज्म दैट अगर इंजरी और ट्रॉमा होता है तो वहाँ पर प्लेटलेट्स भी आ जाते हैं और वो एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन को वहाँ पर और सर्टन फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं ताकि वहाँ पे कोएगुलेशन हो और कुछ सर्टन फैक्टर्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी जो कि इनिशिएट करते हैं क्वैगुलेशन को तो जहाँ पे हमारा कट है वहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स रह गए प्लेटलेट्स भी मदद करेगा और ये फाइब्रिन भी मदद करेगा ताकि क्वैगुलेशन ऑफ ब्लड हो और यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस में कैल्शियम जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्ले, इन क्लॉटिंग ठीक है तो कैल्शियम जो बहुत ज़्यादा जरूरी है क्लॉटिंग के लिए खून के बहाव को रोकने के लिए तो ये पूरी कहानी थी क्वैगुलेशन की अब नेक्स्ट चालू होता है लिम्फ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूड सो दिस टिश्यू फ्लूड इज अ कनेक्शन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज ये कनेक्शन है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में कैसे वो समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यूज यानी कि टिश्यूज को ब्लड कैसे मिल रहा है थ्रू द कैपिलरीज दिस इज अ कैपिलरी दिस इज अ टिश्यू और ये इसके बीच का मैदान है अब इसको समझते हैं कि ये मैदान में काम क्या कर रहा है सो ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस पहुँचाता है टू द टिश्यूज़ और बदले में टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड देती है टू द ब्लड अब उस दौरान क्या होता है कि वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स तो बेसिकली क्या हो रहा है जब ये प्रोसेस हो रही है एक्सचेंज वाली तो उस टाइम पर जो वाटर है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है ये बाहर निकल कर आ रहे इस मैदान में ठीक है एंड दिस मैदान इज बेसिकली वॉट इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यूज जो कि वहाँ पर लार्ज प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट जो है इन द ब्लड वेसल्स यहाँ पर ये छोड़कर आ रहे हैं बाहर अब ये जो फ्लूड है ना इन दोनों के बीच में दैट इज कॉल्ड एज द इंडस्टिशियल और अ टिश्यू फ्लूड ठीक है सो इसीलिए कहा गया कि इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज ठीक है एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इंडस्ट्रिशियल फ्लूड और अ टिश्यू फ्लूड और जब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिय गैसेज एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ऑकर थ्रू दिस फ्लूड तो हमेशा न्यूट्रिएंट्स गैसेस कुछ भी एक्सचेंज अगर हो रहा है ब्लड और सेल्स के बीच में तो वो इस फ्लूड के थ्रू होता है अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे टिश्यूज है यहाँ पे कैपिलरी है तो यहाँ पे खाली स्पेस तो नहीं रहेगा यहाँ पर इट इज फिल्ड विद द फ्लूड दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूड और कुछ भी अगर एक्सचेंज हो रहा है तो इस फ्लूड के थ्रू ही होगा एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूड एंड ड्रेन इट बैक टू द मेजर वेन्स फ्लूड इज कॉल्ड एज द लिम्फ तो होता क्या है जो हमारी लिम्फेटिक सिस्टम है हमारे बॉडी में ये कलेक्ट करता, करता है ये फ्लूड को ड्रेन करता है टू द मेजर वेन्स दैट इज मेजर वेन कौन सी जैसे कि सुपीरियर वेना के बाद जो कि हार्ट को सप्लाई करती है और वहां पर पर इस टिश्यू फ्लूड को बोलते हैं लिम्फ दिस लिम्फ इज बेसिकली कलरलेस फ्लूड विच कंटेन्स अ स्पेशलाइज लिम्फोसाइट्स, दैट इज डब्ल्यू बी सी ठीक है WBC, तो ये लिम्फ जो है कलरलेस है, होता है और ये डब्ल्यू बी सी कंटेन करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी जो कि हमारी इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रियस हार्मोन्स तो ये जो लिम्फ है ये हमारे बॉडी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरियर है जो कि न्यूट्रियस और हॉर्मोन्स कैरी करता है एंड सप्लाई करता है और फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लेक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विला लास्टली जो फैट है हमारे बॉडी का वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू लिम्फ स्पेशली इन लेक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विला जो इंटस्टाइनल विला में वहां पर फैट जो है एब्जॉर्ब होता है थ्रू द लिम्फ एंड दैट वॉज ऑल अबाउट द लिम्फ विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टिश्यू फ्लूड विच इज अ कनेक्शन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर दैट इज सर्क्यूलेटरी पाथवे देर आर टू टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी पैटर्न ओपन एंड क्लोज ओपन के एग्जाम्पल्स से आर्थरपोर्ट्स एंड मोल्यूस और क्लोज के एग्जाम्पल्स है एनालीड्स एंड कॉर्डेट्स सो बेसिकली इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड पंप बाय द हार्ट वो जाता है लार्ज वेसल्स के अंदर और फिर लार्ज वेसल से ये जाता है ओपन स्पेस या फिर बॉडी कैविटी के अंदर जिसको साइनसिस भी बोला जाता है ठीक है सो दिस ओपन स्पेस और बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज द साइनसिस आपने स्पॉजेस का डायग्राम देखा होगा मैंने चैप्टर टू में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि इट हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और किस तरीके से वहाँ पर गैसेज और न्यूट्रिय का एक्सचेंज होता है इवन इन काक्रोचेज यानी अर्थरोपोट्स के अंदर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है यहाँ पर मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये बिल्कुल भी सही नहीं है मतलब जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने बनाया है कि यहाँ पर ये राइट एक्टेरिया है ये लेफ्ट एटेरिया है राइट एक्टेरिया से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टू द टिशूज एंड देन जाएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट देट इज़ इन द लेफ्ट एक्टे सो बेसिकली यहाँ पर ब्लड जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है विद द टिशूज नो कैपिलरी बेड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई कैपिलरी बेड नहीं होता है यहाँ पर ब्लड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है विद द टिश्यूज़ यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है वहाँ से फिर डिऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी सीओ टून रिलीज होता है और डायरेक्टली हार्ट में जाता है इस तरीके से यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वेयर इज एन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम डा इस डायग्राम से समझें तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टू द कैपिलरीज और फिर कैपिलरीज यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ठीक है तो यहाँ पर कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ब्लड का विद द टिश्यूज़ तो यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रोसेस से यहाँ पर ऑक्सीजन अंदर जाएगा सी टू रिलीज होगा बाहर और फिर यहाँ पर कैपिलरीज जो है वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाएगी टू द हार्ट इस तरीके से यहाँ पर काम करता है इन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कि यहाँ पर ब्लड इज़ नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यूज़ एंड वेर एस पर कोई कैपिलरी बेड जो है वो प्रेजेंट है इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैपिलरी बेड है और यहाँ पर कैसे होती है ये प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पर कैपिलरीज uh, और टिश्यूज जो है अपने न्यूट्रिएंट्स और गैसेस एक्सचेंज करते हैं सो इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड टू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स और ये पैटर्न मोर एडवेंटेजियस है सो हार्ट इज बेसिकली इन ओरिजिन जो कि लोकेटेड होता है ऑन द वेंट्रल साइड वेंट्रल साइड मतलब जो हमारी चेस्ट है आगे की तरफ उसको वेंट्रल साइड बोलते हैं और जो बैक है पीछे की तरफ उसको डोर्सल साइड बोलते हैं तो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है नाउ वर्टिब्रेट्स मस्कुलर चैम्बर हार्ट वर्टिब्रेट्स के पास के मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है स्टार्टिंग विद द फिश सो फिश के पास दो चैम्बर्ड हार्ट है वन एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल एम्फीबियंस एंड रेप्टल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट दैट इज टू एट्रिया एंड वन वेंट्रिकल एक्सेप्ट फॉर द क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट है अलॉन्ग विद द क्रोकोडाइल यहाँ पे बर्ड्स और मैमल्स के पास भी फोर चैम्बर्ड हार्ट है दैट इज टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स नाव अगर हम फिश के सर्कुलेशन को समझें सो फिश पजिस अ सिंगल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होता है इसके अंदर यहाँ पर समझते इसको Uh, ये गिल्स बॉडी एंड हार्ट गिल्स से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आता है दैट इज बॉडी गेट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी सी ओ टू जो है हार्ट के अंदर जाता है और फिर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट अगेन गोज टू द गिल्स और फिर से ये साइकिल जो है चलती जाती है एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड इज अ सिंगल सर्कुलेशन और फिश के अंदर ही हार्ट को हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलेगा सो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द बॉडी पार्ट वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गोज टू द हार्ट एंड देन हार्ट से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से गिल्स के अंदर जाता है और फिर गिल्स से सीओ टू बाहर निकल जाता है फ्रेश ऑक्सीजन फिर से अंदर आ जाता है और ये साइकिल चलते जाती है मैंने ये मिस कर दिया था तो याद लिख दिया ठीक है सो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है टू एट्रिया एंड वन मैंट्रिकल इस वजह से क्या होता है यहाँ पर कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यहाँ पर ठीक है इन द वन एट्रिया एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी इन द राइट एट्रिया अब ये जो है ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दोनों जो है मिक्स हो जाता है इन द वेंट्रिकल इसीलिए एम्फिबंस एंड रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है एंड इन क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर कम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रिया के अंदर लेफ्ट एट्रिया से यह जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाता है टू द बॉडी ठीक है एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द बॉडी जाता है इनटू द राइट एट्रिया राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से ये जाता है लंग्स के अंदर तो यहाँ पे कोई मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हो रहा है सो दैट्स वाई बर्ड्स मैमल्स और क्रोकोडाइल के अंदर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है यानी हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट पार्ट यही तक नाउ इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इन डिटेल अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड दे है जल्दी इन नेक्स्ट वीडियो तब तक के ऑल द वेरी बेस्ट